आगे कह रहे द एग्जामिनेशन इज टू बी कंडक्टेड फॉर दीज स्टूडेंट्स सच दैट ओनली द स्टूडेंट्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट आर अलाउड इन वन रूम ठीक है ऑल्सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम मस्ट बी सेम वट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स दैट शुड बी अरेंज टू मीट ऑल दिस कंडीशन अभी सुनो थ्री क्लासेज हैं एक में सिक्सटी स्टूडेंट्स हैं ए में सिक्सटी स्टूडेंट्स हैं बी में एटी फोर है और सी में हंड्रेड एट हैं क्वेश्चन तुम्हें कंडीशन क्या लगा रहा है उसको समझो ध्यान से बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं समझ आता कि एल सी एम कहाँ लेना है एस सी एफ कहाँ लेना है वो इसी में तीन नंबर देखे उनको लगता है कोई एक तो लेना है इतना उनको पता चल जाता है कि तीन नंबर है मैक्सिमम मिनिमम कुछ पूछा है तो या तो एल सी एम लेंगे या एस सी एफ लेंगे बेचारों को ये नहीं पता चल पाता कि एल सी एम लेना है कि एस सी एफ सुन तो तुम्हें क्या करना है इन स्टूडेंट्स को ऐसा बिठाना है कि हर कमरे में क्या हो बराबर बराबर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो है ना क्या देखो क्या कह रहा है

और उसमें कह रहे हैं कि हर रूम में बराबर इंसान बैठे तो क्या जुगाड़ लगाया जाए मैं अगर तुम्हें कहूँ कि सिक्स है है ना? और फोर है ध्यान से समझना है ये छोटे नंबर पे समझ जाओगे तो बड़े वाले पे आराम से समझ जाओ कि एक ए में मान लो फोर होता स्टूडेंट और बी में सिक्स होता और हम कहें कि ऐसा बिठाना स्टूडेंट्स को कि हर कमरे में बराबर बराबर स्टूडेंट बैठे तो तुम कितने कितने बिठाते दो और दो इसके और दो 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 इसके इतना समझ रहा है तभी पॉसिबल है दूसरा कुछ भी लेके पॉसिबल नहीं है सिक्स को तुम थ्री थ्री कर देते तो फोर का तुम थ्री में कुछ नहीं कर सकते यान ये दो क्या है फोर और सिक्स का एच सी एफ ऑबियसली तो अगर तुम इनका एच सी एफ ढूंढ पाते हो कि हाइएस्ट कॉमन फैक्टर इनका क्या है तो फिर तुम कुछ कर सकते हो उसके हेल्प से कि इन नंबर्स को वो प्रॉपर डिवाइड कर देंगे तो उतने उतने तुम हर क्लासरूम में बिठा सकते हो ठीक है क्या और देखो तो इसका तुम्हारा क्या आ जाएगा एस सी एफ जो है सिक्सटी एटी फोर और हंड्रेड एंड एट तो एक तो फोर इंटू फिफ्टीन ये दिख रहा है ये भी क्या दिख रहा है फोर इंटू ट्वेंटी वन और ये दिख रहा है फोर इंटू ट्वेंटी सेवन अभी एक तीन और बाहर आ सकता है ना? तो ट्वेल्व इंटू थ्री ट्वेल्व इंटू फाइव और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा ट्वेल्व इंटू सेवन और ये हो जाएगा ट्वेल्व इंटू नाइन ध्यान से समझना क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसे अभी पता चल गया कि बारह बारह के सेट में बच्चे बैठेंगे इतना क्लियर हो गया है तो ए वाले क्लास में कितने क्लासरूम चाहिए हमको अगर ट्वेल्व ट्वेल्व स्टूडेंट्स करके हम बिठा रहे हैं उन साठ बच्चों को तो ए के लिए चाहिए पाँच क्लास बी के लिए कितने चाहिए सेवन क्लासरूम्स और सी के लिए कितने चाहिए नाइन क्लासरूम्स ऐड कर लो कितना आ गया ट्वेल्व प्लस नाइन ट्वेंटी वन ये देखो एच सी एफ़ का एप्लीकेशन तुमको इसी तरीके से मिलता है कि तुमको या तो डायमेंशन्स दे दे लेंथ और ब्रेथ दे दे तुमको पूछे कि कितने टाइल्स फिट कर सकते हैं है ना या कोई गार्डन में कुछ तुमको ले दे के पूछे कि कितने ऐसा स्क्वायर फिट का घास लगा सकते हैं या इस तरह से कि एक रोप की लेंथ ली उसको इतना इतना ब्रेक कर सकते हैं सिर्फ इंटीजर चाहिए इतने पार्ट में ब्रेक हुआ है तो क्या हो या फिर एक लास्ट ऑप्शन ये बचता है कि तुम्हें बोल दे कि ये कुछ नंबर्स हैं इनमें इतनी चीज़ों को इक्वली फिट करना है और हर अरेंजमेंट में इक्वल इक्वल नंबर ऑफ़ क्या हो कॉम्बिनेशन हो तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि जहाँ भी इक्वल इक्वल तीन अलग चार अलग नंबर्स लेके बोल रहा है तो कुछ तो एच का सीन बनता होगा ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देर आर टू नंबर्स ए एंड बी हुफ़ इज से एच बहुत बढ़िया तो ए और बी दोनों का एच सी एफ एच है माने ये इन टू एम ये एच इन टू एन दोनों h के क्या होंगे मल्टीपल होंगे आगे सुनो कह रहा a इज k टाइम्स h मेरी बात इसको पसंद ही नहीं आई मैं m और n लिख रहा हूँ ये k कर रहा है कोई बात नहीं तो a इज k टाइम्स h एंड इज p टाइम्स h तुम्हारी बात ही मान लेते हैं तो a इज k टाइम्स b इज p टाइम्स h विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ओहो क्या बात आप देखो कैन के के पी आर आइदर बोथ इवन और बोथ ऑड अब एक बात बताओ तो के और पी अगर इवन होते ध्यान से सुनना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्या मतलब है कि एक बार वो फैक्टर अगर निकाल लिए उस दोनों नंबर्स में से क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर एक बार वो फैक्टर निकाल लिया गया दोनों नंबर्स में से ये ए में से भी और बी में से भी तो तुम कुछ भी कॉमन दोनों में नहीं ढूंढ सकते हो किसके अलावा एक के अलावा एक तुम जितनी मर्जी बार निकाले जाओ एक कभी ख़त्म नहीं होगा एक को छोड़ के अब बताओ अगर दोनों ईवन होते कौन कौन के और पी तो एच में दो आता ना बाहर इवेंट नंबर है तो दो होगा ना अभी उसका मल्टीपल तो अगर के और पी दोनों ईवेन होते तो एक दो बाहर आ जाता और एच टू टाइम्स हो जाता उसका एच का तो मतलब ये वैलिड नहीं है के एंड पी आर बोथ प्राइम ये भी जरूरी नहीं है सुनो क्यों अभी दो नंबर हैं एक चार है एक नौ है ना और इसको तुम दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो सपोज इसको हमने एट कर दिया और इसको क्या कर दिया एटीन कर दिया अब इस दोनों का एच कितना है? टू है ऑब्वियसली ध्यान से सुनना इस दोनों का एच सी टू है और जो बाकी के बचे जैसे वहाँ पे के और पी बच रहा था तो यहाँ पे ये यह फोर और नाइन है अब फोर और नाइन प्राइम तो नहीं है तो ये भी जो तुम्हारा स्टेटमेंट है सेकेंड स्टेटमेंट कि के एन पी आर बोथ प्राइम ये भी गलत है थर्ड स्टेटमेंट पे आओ कि के एन पी आर रिलेटिवली प्राइम हाँ अभी ये काम की बात कर रहा है कभी भी जब तुमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लिया तो जो नंबर्स बचेंगे वो प्राइम होंगे कि नहीं होंगे इसकी गारंटी नहीं है लेकिन वो रिलेटिवली प्राइम होंगे इस बात की पूरी गारंटी है क्यों क्योंकि अगर कुछ भी कॉमन होने लायक होता एक को छोड़ के तो वो पहले ही एच में आ गया होता उसका नाम ही हाइएस्ट कॉमन फैक्टर है वो जितना मैक्सिमम निकाल सकता है वो निकालेगा है ना तो मतलब ये स्टेटमेंट तुम्हारा क्या है सही है कि दोनों क्या रिलेटिवली प्राइम है एच सी एफ ऑफ के एंड पी इज ग्रेटर देन वन नई एक बार एच सी एफ निकल गया तो जो बचेंगे अवशिष्ट मतलब ये के और पी उसका एच सी एफ हमेशा वन ही आएगा उसमें कुछ भी कॉमन तुम ढूंढ नहीं सकते हो तो ये चारों स्टेटमेंट तुम्हारा एच सी एफ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा है तुम चाहो तो इसको पीछे करके एक बार और देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो क्या कह रहा है अ नंबर वेन डिवाइडेड बाई थ्री फोर फाइव और सिक्स लीव्स रिमाइंडर टू इन ईच केस हाँ ठीक है तो मतलब क्या पता चल गया हमें कि थ्री फोर फाइव और सिक्स का आ, से डिवाइड कर रहे हैं जब तो दो क्या आ रहा है रिमाइंडर आ रहा है अब देखो एक तो तरीका क्या है सिंपली इजिली जब तुम्हें ऑप्शन अवेलेबल हो तो इंसान तो यहीं से ही पता कर लेगा कि भाई डिविजल है या रिमाइंडर आ रहा है मतलब चीज़ें क्या हैं वैलड है तो पहले तो सबसे पहले इसका क्या ले लो तुम एल ले लो कितना आ जाएगा फिर से साठ आएगा क्या ये हाँ तो तुम्हें मिल गया सिक्सटी अब तुम्हें वैसे भी ऑप्शन में दिख रहा है कि 243, 242, 248, 484 है तो 60 और वन ट्वेंटी टू चेक करने की कोई कोई मतलब ही नहीं तो सीधा चलते कहाँ 240 के आसपास अब 240 के आसपास जो कह कंडीसन क्या लगाया कि ये नंबर तुम्हारा क्या होना चाहिए ग्यारह से परफेक्टली डिविजिबल होना चाहिए क्या होना चाहिए ग्यारह से परफेक्टली डिविजिबल होना चाहिए तो एक तो ग्यारह का बहुत बढ़िया सा मल्टीपल क्या दिखता है हमको टू ट्वेंटी दिखता है लेकिन वो वहाँ पे है नहीं और ना ही वो सिक्सटी के मल्टीपल्स के आसपास है तो आगे चलते टू ट्वेंटी से ट्वेंटी टू आगे चलते हैं ना टू फोर्टी टू आएगा परफेक्टली ग्यारह से डिविजिबल भी है और उसके बगल में वो भी है कौन सिक्सटी का मल्टीपल टू हंड्रेड फोर्टी जो है और दो रिमाइंडर भी चाहिए और दो ही एक्स्ट्रा उससे है भी है मतलब सारे कंडीशन को ये क्या कर रहा है फुलफिल कर रहा है 240 जो हमारा एलसीएम था उसका ये मल्टीपल है और उससे दो ज़्यादा है और 11 का मल्टीपल भी है तो सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए तुम कह सकते हो कि इसका आंसर क्या हो सकता है बी हो सकता है देखो मैं जितने तरह के क्वेश्चन एल सी में पॉसिबल थे मैं सारे ट्राई किया कि हर तरह का एक एक क्वेश्चन तुमको दिखे एस के अपलीकेशन पर कम क्वेश्चन मिलते हैं फिर भी मैं दो तीन इंक्लूड किया तुम्हारा क्या काम क्या है कि तुम इसको जो है प्रैक्टिस करो है ना ये क्वेश्चन सिर्फ देखने भर से मुझे बहुत अच्छा आता है तुम एक बार देख लोगे तो मुझे और अच्छा आ जाएगा तुम्हारे आने के लिए तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और तुम इन चीज़ों को समझो कि एल और एस में फ़र्क क्या है सबसे ज़्यादा अगर तुमने बहुत ज़्यादा टाइम लगा के ये समझ लिया कि दोनों में फ़र्क क्या है सुनने में बहुत आसान लगता है कि कोई मुझे इसका फ़र्क क्यों समझा रहा है मैं बच्चा तो हूँ नहीं लेकिन जब तक तुम्हें अच्छे से समझ नहीं आएगा तभी तुम्हारे ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो सकते तो जाओ तुम उसकी प्रैक्टिस करो और सही करो गलत करो बढ़ते रहो मिलते नेक्स्ट सेशन